नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। एक बार फिर से मैं हूं तन्वी खुराना। कक्षा 10 के सभी छात्र इस वक्त हमें देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 10 पर, और हम बातचीत करने वाले हैं साना साना हाथ जोड़ी, जिसे लिखा है मधु कांकरिया ने। अब मधु कांकरिया ने जो ये पाठ लिखा है, क्या ये पाठ है, क्या ये कहानी है, क्या ये कोई कविता है, ये हम जानेंगे हमारे मेहमान से, जो हमें बताएंगे इनके बारे में। मधु कांकरिया कौन है, उनके और लेखन कौन से हैं, हम इनके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई सवाल है इससे जुड़े हुए, इसी शीर्षक से जुड़े हुए, तो कृपया करके हमें भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पे, जो कि है dth.class10@ciet.nic.in। आइए मिलते हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश कोहली। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद तन्वी, नमस्कार। सर हैं भाषा शिक्षा विभाग एनसीईआरटी नई दिल्ली से। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इस डिस्कशन को, और सर से पूछते हैं कि सर ये जो नाम है साना साना हाथ जोड़ी, साना साना किसे कहते हैं, और ये भी बताइएगा कि क्या ये कोई पाठ है, कोई कविता है, कहानी है, क्या है जी? धन्यवाद तन्वी, जैसा आपने पूछा कि देखिए, सबसे पहली जिज्ञासा जब भी हम किसी पाठ को पढ़ते हैं या कोई भी रचना हम देखते हैं, तो हमारी जिज्ञासा उसके शीर्षक पे ही जाती है जी। और ये सचमुच एक जिज्ञासा जगाने वाला पाठ है, और मुझे भी या किसी भी पाठक को जब वो पहली बार पढ़ता है तो शायद ये जिज्ञासा होती है ये क्या है, क्योंकि ये जो शब्दावली है वो हिंदी की प्रचलित शब्दावली नहीं है, वो कहीं ना कहीं जिस विषय से संबंधित ये पाठ है, सिक्किम और सिक्किम से भी आगे नेपाली भाषा का कहीं ना कहीं इसमें प्रभाव है, उसकी शब्दावली है ये। और इसमें एक पंक्ति आती है इसमें पाठ में, और जैसा आपने पूछा भी ये पाठ क्या है, तो मैं अपने साथियों को बता दूं कि ये एक यात्रा वृतांत है, और जो लेखिका है इनकी मधु कांकरिया, ये सिक्किम की यात्रा पे गई, और सिक्किम में भी हिमालय की जो ऊंचाई वाली यात्रा है, लगभग 15,000 फीट ऊंचे पहाड़ों पे जब ये गई, सिक्किम होते हुए गंगटोक से आगे कटाव एक जगह है, जिसको कि कहा जाता है कि ये भारत का स्विट्जरलैंड है, लेकिन इसमें इन्हीं की सखी कहती है कि नहीं, मैंने तो स्विट्जरलैंड भी देखा है, ये उससे भी सुंदर है। तो ऐसा पाठ है जिसमें मधु कांकरिया ने सिक्किम से अपनी सिक्किम की जो पर्वतीय यात्रा है उसमें हिमालय की जो, इसमें दरअसल दो चीजें हैं ये यात्रा वृतांत में, हिमालय की एक तो जो प्राकृतिक सुंदरता है कि सुंदर सुंदर पहाड़ है, झरने हैं, नदियां हैं, और बर्फ गिर रही है, उसका भी वर्णन है। तो ये आप देख लीजिए, और ये जिस समय में जाती हैं वो अप्रैल का है, अगर हम उत्तर भारत में और मध्य भारत में और दक्षिण तक, अगर उस समय गर्मी है और सिक्किम में जहां कटाव में ये कह रहे हैं वहां पे बर्फ गिर रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि भारत की जो विविधता है, जो उसकी सुंदरता है, उसकी कितनी लंबी रेंज है। और इसी रेंज के कुछ पहलू है जो इस पाठ में है। और इससे पहले हमें ये भी जानना चाहिए कि मधु कांकरिया एक हिंदी साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, खास तौर से वो कथा साहित्य में, कथा में भी उनकी दो विधाएं जो हैं, एक वो कहानियां लिखती हैं और उपन्यास लिखती हैं। उनके बहुत चर्चित उपन्यासों में अगर मैं दो चार का नाम, एक चीज और, क्योंकि उनकी रचनाओं पर आने से पहले ये एक अजीब संयोग बन रहा है कि हर बार जब भी हम कोई पाठ लेते हैं तो ये संयोग ही है कि उनका जन्मदिन एक या दो दिन पहले होता है, कि आज मैं इसको देख रहा था कल, तो इनका जन्मदिन 23 मार्च को था, तो आज तो दो ही तीन दिन हुए हैं। 23 मार्च 1957 में इनका जन्म हुआ, और अभी ये कोलकाता में हैं, और कोलकाता में ही इनका जन्म हुआ, और अपनी पूरी पढ़ाई इन्होंने वहीं से पूरी की, एमए इकोनॉमिक्स में किया, कंप्यूटर साइंस में किया, लेकिन लेखक बन गए। हाँ, ये बात कहती है कि दरअसल क्या है, हर व्यक्ति की एक अंदरूनी, कहना चाहिए कि बेचैनी होती है जी। और अंदरूनी व्यक्तित्व होता है जो उसे इस दिशा में लेके आता है, और अंत आज ये हिंदी साहित्य भारतीय लेखन में एक बड़ा नाम है, और उपन्यास इनके बहुत चर्चित हैं, जैसे खुले गगन के लाल सितारे, सूखते चिनार, सलाम आखरी, पत्ता खोर, सेज पर संस्कृति,
बहुत सारे हैं और कई यात्रा वृतांत हैं, कहानियां भी हैं, कई चिड़िया ऐसे मरती है, बीतते हुए भरी दोपहर के अंधेर, बहुत सारी रचनाएं हैं और यात्रा वृतांत भी हैं, जिसमें से एक ये वन ऑफ द इनका कहना चाहिए बेहतरीन उपन्यास यात्रा वृतांत है। अब यात्रा वृतांत की भी एक अपनी कहना चाहिए कहानी होती है कि हम सब लोग यात्राएं करते हैं और करके और उसको वापिस आ जाते हैं थोड़ा बहुत, हाँ भाई अच्छा लगा, ये बात इतने तक रह जाती है। लेकिन दरअसल जिस व्यक्ति में जिस संवेदनशीलता की जिस मात्रा होगी ना, जो मात्रा होगी, वो उस परिदृश्य को, उन घटनाओं को, उस प्राकृतिक दृश्यों को, वहां के रहन सहन को उतनी ही खूबी बखूबी से महसूस करके अगर वो लिख देता है तो वही यात्रा वृतांत बन जाता है। और ये मैंने पहले भी नागार्जुन वाले उस संदर्भ में भी कही थी और भी कई संदर्भों में कही थी कि हम लोगों को, हमारे पास भारतीय उसमें इतनी सारी संभावनाएं हैं कि तीन चीजें जरूर देखनी चाहिए। मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि एक तो पहाड़ जरूर देखने चाहिए हमें जी। और दूसरा आप पहाड़ की ऊंचाई और बर्फ देखिए और फिर आप रेगिस्तान देखिए और अंततः आप एक तरह से समुद्र की गहराई देखिए। तो ये जो तीन चीजें हैं ये हमारे अनुभव को, हमारे चिंतन को विस्तार देती हैं। और इस पाठ में भी जब हम शहरी जीवन से कहना चाहिए कि बार बार ऊब होती है तो हम लोग यात्राओं पे जाते हैं, मधु काकरियां भी ऐसे ही जाती हैं और सिक्किम की है, गंगटोक की मैंने बताया ये यात्रा है। और इसमें हिमालय की जो प्राकृतिक सुंदरता है, दो चीजें हैं इसमें कि एक तरफ प्राकृतिक सुंदरता है और दूसरी तरफ उसका जो जनजीवन है, उसकी जो कठिनाइयां हैं, उसकी जो कहिए पीड़ा है, दोनों एक साथ हैं। और ये एक चीज शायद बाद में ध्यान ना रहे कि हमारे बच्चों को देखना चाहिए, या आजकल जो मोबाइल फोन से होता क्या है कि हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो उसके जाते ही बस दनादन फोटो खींचना शुरू कर देते हैं और उसको महसूस नहीं कर पाते जी। और फिर आके कभी उनको एक रफ उसकी तरह फोटो को आगे देखते हैं और बात रही चली जाती है। लेकिन ये मधु काकरिया जी कहती है हमें थोड़ा सा इसमें सोचना चाहिए कि आप जब भी कहीं की यात्रा करें उन दृश्यों को बाहरी रूप से भी देखिए, लेकिन उन दृश्यों को थोड़ा ठहर कर अपने अंदर उनकी तस्वीर बनाइए कि जब आप उनकी तस्वीर अपनी संवेदना में खींच लेंगे तो वो आपको फिर काम आएगी जब आप चाहेंगे। उसको कहते हैं ना कि जब आप अपने शहर में वापस आएंगे या कहीं पे भी तो आप अपने डार्क रूम में बैठ के उनकी पिक्चर फिर जो खींचेंगे वही हमारे संस्मरण होंगे, यात्रा वृतांत होंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और एक चीज दूसरी जो है वो इसमें खास चीज नोट करने वाली है, हमने साहित्य में भी और लेखन में भी पुरुष यायावर जिसको कहते हैं ना, यात्रियों को तो बहुत देखा है, बहुत सुना है, लेकिन महिला यात्रियों के लिए यायावरी जिसको कहते हैं वो एक नया वो अंदाज है, वो भी महिला यायावरी का इनके यहाँ नोटिस करने वाली बात है। और आप देखेंगे कि मधु काकरिया के यहाँ आपको उसमें कहना चाहिए जिस भी जगह पर वो जाती हैं वहां की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ वहां के जन की जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो विरोधाभास है, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि आप साहित्य तो सारा का सारा विरोधाभासों में ही है। अगर आप प्रकृति की बर्फ देखा है और पहाड़ देखा है, लेकिन अगर उस पहाड़ को तोड़ने वाली जो महिलाएं हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधों पे पीछे टोकरी में लटकाए हुए हैं, वो कहते हैं कि इतनी खूबसूरती और इतना कठोर परिश्रम, ये विरोधाभासी चीजें हैं कि वो इनकी नजर, इनकी संवेदना वहां जाती है और वही इनकी कहना चाहिए कि ये इतना लंबा 15 पेज, लगभग 15 पेज का संस्मरण है, यात्रा वृतांत है और लाजवाब है। आप एक बार इसमें शुरुआत कर दीजिए पढ़ने के लिए तो शायद आप, मुझे लगता है, इसको पूरा किए बगैर छोड़ेंगे नहीं। देखिए अब शुरुआत कहां से होती है, आप कहीं से भी शुरुआत कर लीजिए, आप चाहे तो देखिए पहले ही शुरुआती पंक्तियों में ही देखिए, दो तीन चीजें हैं कि मैंने कहा ना कि अगर रचना का एक चीज है यात्रा वृतांत, इन्होंने जो कहा कि पूरा काव्यात्मक होता है, काव्यात्मक पोइट्री, हम जब किसी बहुत सुंदर तरीके से किसी को एक्सप्रेस करने लगते हैं तो हम कहते हैं कि वाह क्या पोइटिक तरीके से कहा है, काव्यात्मक।
देखिए उसकी उसकी ही झलक है पहले पहली दो ही दो तीन पंक्तियों में ही देखिए कि मैंने हैरान होकर देखा आसमान जैसे उल्टा पड़ा था। अब यही लाइन मुझे किसी को भी पकड़ लेगी कि भाई आसमान कैसे उल्टा पड़ा था, सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे और उल्टे हो गए, दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे, क्या था वह। यहां तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि वो आसमान कह रहे हैं या कुछ हो रहे हैं। फिर जो बताते हैं कि वो वह रात में जगमगाता गैंगटोक शहर था, इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा, मेहनत कर बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह हो शाम हो या कि रात हो, सब कुछ सुंदर है। और सच में आप जाएंगे आप सिक्किम, हमें भी कहना चाहिए मौका मिला सिक्किम जाने का कि सचमुच वो सुंदर है उसकी कोई है। और सबसे बड़ी बात है कि वो बिल्कुल ऑर्गेनिक स्टेट है, वहां पे किसी भी तरह की कोई पेस्टिसाइड और उनका इस्तेमाल नहीं होता। इसमें एक चीज भी आती है कि आखिर ये पहाड़ खास तौर से सिक्किम का पहाड़ इतना सुंदर कैसे हमें दिखाई देता, वहां गलियां हो कोई भी चीज हो साफ सुथरी दिखाई देगी। वो कहते हैं कि इसमें वो है भी कि वहां के लोग पहाड़ी लोग उसको मानते हैं कि हमें इन्हें नदी हो झरने हो इनको गंदा नहीं करना, नहीं करना है, साफ रहे। अगर आप इनको गंदा करेंगे तो आप मर जाएंगे। जहां तक मुझे याद है वहां प्लास्टिक यस बिल्कुल बैन है, वो पूरी तरह से बैन है। और वो कहते हैं कि जब आप उसकी एक तरह से पूजा करेंगे तो ही आप उसके साथ सरवाइव कर पाएंगे और उसकी झलक आपको दिखाई देगी। गैंगटोक है और गैंगटोक से भी आगे इन्होंने 150 किलोमीटर लगभग आगे जाना है और वो जगह बत इसमें है युमथांग, एक जगह है युमथांग है लायुंग है और जैसा मैंने कहा कटाओ है उससे भी ऊपर 500 फिट ऊपर 500 और वहां पे बर्फ अप्रैल में भी गिर रही है, देख लीजिए आप अंदाजा लगा लीजिए। और स्विट्जरलैंड से उसकी तुलना की है, इसमें बीच में आया है सुंदर स्विट्जरलैंड से भी सुंदर उससे भी उसकी सखी है, इनकी एक सखी की महिला जो मणि नाम की है। और एक इसमें एक दो ही तीन चरित्र है, एक इसमें पहाड़ों पे ड्राइवर कम उनका जो गाइड बना है जीतेन नारगे वो है उनका नाम, वो उनकी भी बड़ी सुंदर है कि गाइड का क्या रोल होता है। दूसरी बात ये जो हमारे ये सप्लीमेंट्री में है, ये पूरक पाठ्य पुस्तक में है ये पाठ, और पूरक पाठ्य पुस्तक हम कहते हैं कि हमें अपने मन से जब हमारा मन करे उसको बड़े सहज तरीके से शांति से उसको पढ़ना चाहिए तो हम उसके फ्लो के साथ आराम से चलेंगे। तो ये जैसा आपने इस पाठ में सबकी जिज्ञासा यही है और वो जिज्ञासा ये तुरंत वो कहती है कि जैसे ही मैंने खिड़की खोली देखा सुबह, और वो एक प्रार्थना के बोल उनको याद आते हैं जो कि उन्होंने नेपाली युवती थी उनसे सीखे थे सुबह सुबह ही, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हमरो जीवन तिम्रो कौशली, ये नेपाली भाषा की शब्दावली है। अगर आप इसमें देखेंगे और कितनी सुंदर व्याख्या है इसकी कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, कि इससे सुंदर प्रार्थना क्या हो सकती है कि अगर हम अपने जीवन को मान लें कि हमारा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। मुझे तो लगता है कि जब जब मैं इस पंक्ति को पढ़ता हूं तो हमें यह प्रेरणा देती है, ऐसी ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। और वो वहां से शुरुआत करते हैं कि फिर चलते हैं और सब आप पहाड़ पे जाइए सुबह किसी भी समय पे जाइए, आप जैसे ही सुबह उठेंगे जब भी जाएंगे खिड़की खोलेंगे तो देखते हैं कि पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, इनको भी खिड़की खोलती हैं और देखती है वहां पे कंचनजंगा कहते हैं। अगर आप सिक्किम में हैं गंगटोक में हैं और वहां सुबह आसमान साफ हो बादल ना हो तो हिमालय की जो सबसे तीसरी जो है ऊंची चोटी कंचनजंगा वो आपको साफ दिखाई दे जाएगी। और वो दिखाई देती है नहीं, क्यों? क्योंकि बादल थोड़े छाए हुए थे तो उनको दिखाई नहीं देती, लेकिन वो अपनी यात्रा पे चल पड़ते हैं। आप जितने संदर्भ लीजिए, इसमें पत्थर तोड़ती महिलाएं हैं, जीवन के कठिनतम परिस्थितियों में फौजी हैं और वो फौजी छावनी है वहां पे, वो कहते हैं कि वो आपने ये चेतावनी भी और सूत्र वाक्य की तरह भी जगह जगह इसमें आए हैं कि हमने अपना आज दे दिया ताकि आपका कल सुरक्षित रहे, कि हम यहाँ पे हैं इस -15 डिग्री में काम कर रहे हैं सीमाओं की सुरक्षा ताकि आप वहाँ चैन से सो सकें, और ये पत्थर का पहाड़ काट काट के रास्ते बनाए जाते हैं ताकि आप वहाँ से गुजर सके आसानी से। बहुत मार्मिक प्रसंग है इसमें, आप पढ़ेंगे तो
मैं इसलिए संक्षेप में चर्चा कर रहा हूं क्योंकि लंबा लंबा यात्रा वृतांत है, जितना हमसे इसमें बातचीत में हो पाएगा। देखिए अब चलते हैं, तो सबसे पहला जो प्रेद, ये हर कोई इसको लिख सकता है। खास बात यह है, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि रचनाकार ही ऐसा हो। अगर आप, मैंने कहा कि वो भी एक, मधु काकरिया भी ये कहती है कि अगर आप संवेदनशील होके चीजों को देखेंगे तो वो आपकी रचना पे, वो कलम की नोक पे जरूर उतरेंगी जी। और वही है कि मजदूरों को भी देखती हैं, महिलाओं को भी देखती है, छोटे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनको भी देखती हैं। वो बच्चे जैसे ही कोई गाड़ी गुजरती है तो वो उससे लिफ्ट मांगते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहते हैं ये ऐसा क्यों है कि वो कहते हैं कि यहाँ पे लगभग 3 किलोमीटर नीचे घाटी में एक ही स्कूल है और ये बच्चे लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई चढ़ के जाते हैं, पैदल चल के, लंबाई वैसे वाली नहीं, प्लेन, 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के जाते हैं, आते हैं, तो देख लीजिए कितना कष्टमय जीवन है। कई बार हमको लगता है पहाड़ पे थोड़े दिन जाना आसान लगता है, थोड़ा जीवन घूमने के लिए ठीक लगता है, लेकिन हम कहते हैं कि पहाड़ पे पहाड़ सी कटती है जिंदगी, इतना आसान नहीं है पहाड़ पे जीवन। वो उसी की झलक इसमें दिखाई देती है कि वहां पे स्कूल ही एक है, 3 किलोमीटर नीचे 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ी, आप बच्चा, छोटा बच्चा देख लीजिए कितना कठिन है। खैर वो आप यात्रा शुरू करते हैं तो उनको जगह जगह पे हम भी देखते हैं कि कहीं कहीं लाल झंडी हरी झंडी कुछ लिखा रहता है उन पे, मंत्र जैसा कुछ, और कहीं कहीं सफेद झंडियां आपको दिखाई देंगी जी। आप देखेंगे कुछ लोगों की गाड़ियों में भी ऐसा लगा हुआ हम लोग देखते हैं कि अब इसकी पहचान बताती है कि वो सफेद जो झंडी होती है वो, हमें भी पहले नहीं पता था कि ये क्या है। सफेद जो झंडियां होती हैं वो जो कोई बुद्ध धर्म को मानने वाला, उनकी कहना चाहिए मृत्यु होती है, तो उसकी याद में हम कहीं पे भी उसको टांग देते हैं। और वो उनकी संख्या भी बताइए कि वो लगभग 108 होती है, और वो धीरे धीरे, उनको कोई हटाता नहीं, उनको कुछ नहीं करता, वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाती हैं। एक चीज इसके साथ साथ रंगीन झंडियां भी हैं जी। तो वो ये तब लगाई जाती हैं जबकि कोई नया कार्य हम शुरू करते हैं। तो अब आप देखिए कि एक घटना उन्होंने बताई, अब जानकारी भी है, जिज्ञासा भी है, उसका हल भी है, उसका कारण भी है। मैं तो हैरान हूं कि इसमें बुद्ध की चर्चा भी है सिक्किम में, दलाई लामा की भी चर्चा है, गुरु नानक की भी चर्चा है, नेपाली की भी चर्चा, कितनी सारी सूचनाओं को, जानकारियों का, संवेदनाओं का कहना भंडार है, मोहित कर देने वाला पाठ है ये। मैं कभी भी, आप इसको पढ़िए, बच्चे भी इसको शायद ऐसे ही देखते होंगे। और जैसे गाइड का रोल इसमें, कहे कि भाई गाइड का रोल कैसा होता है, वो कहते, जीतेन कहता है, देखिए मैं, हम लोग जब भी गाड़ी में बैठे हो तो सबको यही बताते, देखिए मैडम ये पहाड़ देख रहे हैं ना, कि यहाँ पे गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो अब ये जिज्ञासा होती है, अभी भी लोग जब कुल्लू मनाली शिमला जाते हैं तो बताते ना ये उनका घर है, तो ये किनका घर है वो हम सब जानते हैं। और फिर उनका इतिहास भी बताते हैं कि देखिए सिक्किम में 2 जनजाति हैं वो मुख्यतः पाई जाती हैं, एक लेपचा और दूसरी भूटिया, ये 2 ही हैं और उनका संघर्ष चला लंबे समय तक, फिर वो सेटल हुआ। और एक चीज और बताते हैं, आप कहीं पे भी जाइए बौद्ध और उसमें देखेंगे, एक प्रेयर व्हील आपने देखा होगा, गोल गोल घूमने वाला चक्र, आप कभी गए होंगे तो ये क्या है, इसको देखिए, सब लोग उसको घुमा रहे होते हैं तो हम भी हाथ से घुमा देते हैं, बड़ा अनुभूति वाला पक्ष होता है वो। और ये यहां पे फिर वो देखिए जोड़ती हैं उसको कि आप पूरे भारत में कहीं चले जाइए, भारत की जो आत्मा है ना वो लगभग एक है। वो कैसे कि जो हमारी आस्थाएं हैं, जो हमारे विश्वास हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, कि ऐसा कहने से हमारे सारे, वो कहना चाहिए जी, जो पाप हैं वो हैं, वो सब धुल जाते हैं और हमें पाप पुण्य से उससे जोड़ते हैं। अब लंबी यात्रा है 150 किलोमीटर की, फिर आती है, देखिए आप जाएंगे, वो भी देखा आपने, फिर झरने आपको दिखाई देंगे, उनका बड़ा खूबसूरत है। और जितनी भी सड़कें हैं आपने देखा होगा कि वो नदियों के किनारे चलती हैं, हमें उनके साथ चलना होता है। वजह यह है कि नदी ही ऊपर से आपको नीचे लेके आती है यार, उस नदी के सहारे ही आप जा सकते हैं, अदरवाइज आपको रास्ता नहीं पता चलेगा कि पहाड़ में किधर। तो सिक्किम में जो लगातार जिस नदी के साथ चलते हैं वो तीस्ता नदी है, तो ये उसका वर्णन भी कह रहे हैं कि सब कुछ बादलमय है। आप कभी पहाड़ पे जाएंगे, जैसे कभी बादल आ जाएंगे, कभी धुंध आ जाएगी, कभी धुंध की चादर आएगी, और
देखिए पंक्तियां भी कैसी कैसी लिखी होती है, जब सब कुछ इतना सुंदर दिखाई देता है तो आदमी खुद को भूलने लगता है, और उस भूलने में मतलब भूलने का ये कि वो एकदम प्रकृति से जुड़ जाता है, प्रकृति की जो एकात्मकता है, जो उसकी लय है, जो उसकी तान है, जो उसका सौंदर्य है, उसमें खो जाता है। या तो आप वहीं तक रह जाइए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मधु काकरिया की खूबी ये है कि वो एक बताती हैं कि वो स्विट्जरलैंड भी गई थी, कि इसका अंतर बताती हैं कि वहां की प्रकृति हमें केवल मोहती है, सुंदर लगती है, लेकिन वहां का जनजीवन हमसे अलग है, बेहतर है, इसलिए वो उस तरह से उनको परेशान नहीं करता जिस तरह से यहाँ पे वो महिलाएं पत्थर तोड़ने वाली, कि देखिए कितनी सुंदर उसमें है कि उनका जो सौंदर्य है, जैसे आप कहते हैं कि आटा जब हम गूंद के रख देते हैं, इस तरह का सौंदर्य है, और उनके हाथों में छाले पड़े हुए हैं और हथौड़े से वो इतना कठोर पत्थर तोड़ रही हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस कितना भयंकर विरोधाभास है, और इस विरोधाभास में ही कहीं ना कहीं लिटरेचर होता है, संवेदनाएं होती हैं, और कितना खतरनाक है कि वो पत्थर तोड़ती हैं, उसी से रास्ते बनते हैं, और वो तुलना भी करती हैं बार बार कि केवल सिक्किम में ही नहीं, वो कहती हैं वो झारखंड में भी, उनके उपन्यास भी हैं, उनमें कहानियां भी हैं कि झारखंड में भी जो आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, कह रहे हैं कि उनका जीवन भी उतना ही कठिन है। एक रोचक बात यह है कि इसमें लगातार वो महिलाओं को ही केंद्र में रखती हैं, बड़ी मजेदार बात है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए हमेशा कहते हैं ना कि जो पहाड़ की महिलाएं होती है वो बहुत ज्यादा परिश्रमी होती जी, है जी, शहर की महिलाओं जी, से। जी, हाँ हमेशा कहते हैं बिल्कुल, ये डबल उनको मेहनत करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो वहाँ के खान पान, रहन सहन, जो परिधान होता है, उसकी भी चर्चा करती हैं, और जो सबसे बड़ी बात ये है, फिर एक वो जहाँ पे रुकती, ये गाना गाते हुए लोग, इसमें गाने का भी वर्णन है कि जब वो जाते हैं, कैसे हम लोग पिकनिक पे जाते हैं तो गाना गाते हैं, और नाइट स्टे में भी लोग कैसे नाच गाना करते हैं, वो भी है, और फिर देखते हैं कि वो एक सवाल उठता है कि उसमें ये बर्फ पहले इस एरिया में गिरती थी लेकिन अब नहीं गिरती। अब सवाल उठाया उन्होंने कि वजह, उसका कारण क्या है, कि जो प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है उसकी वजह से जो निचले हिस्से हैं, पहाड़ी हिस्से, वहाँ की बजाय वो गर्मियों में उतना वहाँ ठंड होती ही नहीं पोल्यूशन की वजह से, वो और ऊंचाई पे जाने लगे हैं लोग, और उसके लिए आपको प्रदूषण जिम्मेदार है, जबकि इसी प्रदूषण को अगर कहें, कहते हैं कि नेचर ने हमें कितना कुछ दिया है, कितनी सुंदर व्यवस्था उसमें की हुई है, देखिए वो कहते हैं हमें पानी कैसे मिलता है, नदियों से मिलता है, मुख्य स्रोत उसका नदियां हैं, और नदियां कैसे बनती हैं, नदियां बर्फ से ही बनती हैं जी। अगर बर्फ नहीं जमेगी तो हमें भूल जाना चाहिए कि 5 साल में ही पानी की हाय तोबा मच जाएगी, इसीलिए ये चिंता बार बार कह रहे हैं कि दुनिया भर के जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं वो बहुत डेंजरस है, और प्रदूषण की वजह से ये सब हो रहा है, तो इसे हमें रोकना होगा, और बर्फ की वजह से ही वो, बर्फ कल्पना करेंगे तो आप उस चीज का अंदाजा लगा पाएंगे कि, और ये कल्पना करने के लिए हमारे दर्शकों को और हम सभी को थोड़ा घूमना चाहिए मधु काकरिया की तरह, बिल्कुल घूमना चाहिए, उनकी लिखी हुई रचनाएं पढ़नी भी चाहिए, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें परिचित करवाया मधु काकरिया की लेखन से और इस ट्रैवलॉग से भी, तो हम जरूर पढ़ेंगे, हमारे दर्शक जो हैं अगर उन्हें ये पसंद आया होगा और वो खुद घूमना पसंद करते होंगे तो वो इस को जरूर पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। धन्यवाद सभी दर्शकों का भी, आपने ये कार्यक्रम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप अपने सवाल हमेशा हम तक पहुँचा सकते हैं dth.class10@ciet.nic.in पर। अपना ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर में वापस आएंगे मैथ्स का एक सेशन लेकर, और आप अपने सवाल तैयार रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार।